हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है सावन का लास्ट मंडे और अभी टाइम हो रहा है 11:30। और तो अभी से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। उठ तो बहुत सुबह ही गई थी, सुबह उठ के नहाना वहाना सब कंप्लीट हो गया है। आज है मतलब जो ऊपर में सुधा भाभी रहती है ना, उनके घर पे रुद्र अभिषेक है, तो वहीं पे सुबह से थी, इसीलिए ब्लॉग स्टार्ट करने में देरी हो गया। तो अभी अभी जस्ट नीचे आई हूँ, तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। पूजा उजा का सारा काम तो पंडित जी कर ही रहे हैं, और यहाँ पे जो पंडित जी मेरे घर आए थे ना, वही पंडित जी सुधा भाभी के घर भी आए हैं पूजा करने के लिए। और चलिए अभी मैं जा रही हूँ फिर से ऊपर, क्योंकि उनका मेकअप करके देना होगा मुझे। तो बस अभी उनको भी रेडी करूँगी, उसके बाद फिर मैं नीचे आके रेडी होंगी। मैं क्या पहनूँगी अभी तक मैं कोई डिसाइड नहीं की हूँ, तो सोच रही हूँ सूट पहनूँ कि स्कर्ट पहनूँ। स्कर्ट और शर्ट पहनने का तो मन है, तो देखती हूँ क्या होता है, क्या पहनूँगी अभी तक कुछ डिसाइड नहीं की हूँ। तो जो भी पहनूँगी आप लोगों के तो सामने आना ही है। तो चलिए उनको पहले फटाफट रेडी कर देती हूँ, फिर मैं नीचे आके रेडी होंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ रेडी, और आप लोग देखिए कि सुधा भाभी को रेडी मैं कर दी थी, और उनका मेकअप कैसा हुआ है जरूर से कमेंट में लिख के बताइएगा कि मैं मेकअप कैसा की हूँ। तो उसके बाद मैं नीचे आई, खुद को रेडी किया, खुद रेडी हुई, और अभी बज रहा है 3:30। तो ऊपर पूजा स्टार्ट हो गया है, तो चलिए अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। नीचे में प्रसाद वगैरह मैं ले लेती हूँ, जो प्रसाद वगैरह मैं ऊपर चढ़ाने के लिए सुकिंदु मुझे सुबह ला के दिए थे। सुकिंदु भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो चलिए अब कुछ पूजा का भी जो मोमेंट है, वीडियो है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो वीडियो देखिए, क्योंकि ऊपर में गाना वाना बज रहा है, तो मैं बात तो नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ मैं उसी देखे आप लोगों के साथ वीडियो जरूर से शेयर करूँगी। तो चलिए आप लोग भी पूजा का वीडियो एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। बोला था आराम का काका कौन सा मतलब तू लोच चीर रहा है कौन सा मतलब कृष्णा अरे पहले कौन सा है हम जा रहे हैं वही सामने से करिए दुकान आदि में क्या क्या फिर करके ये बाहुन में से चल जाएगा क्या दुकान है दो दो बार करने का मजा अरे हम हैं तो उन्हीं की बात सुनिए। ओम ओंकार नमः, ओम वसुदेव नमः, ओम शिवाय नमः, ओम रूपाय नमः, ओम विष्णुपाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम त्रिपुराय नमः, ओम सुरपाय नमः, ओम कपिलदेव नमः, ओम ईशाराय नमः, ओम महेशाय नमः। पार्वती जी रखिए या पार्वती जी तो फ्रेंड्स, बाबा का श्रृंगार हो गया है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। आप लोग कमेंट में लिख के जरूर से बताइए कि बाबा का श्रृंगार कैसा हुआ है। और ये है आरती का थाल जो सुधा भाभी बनाई थी, और ये भी कितना अच्छा बनाई है। वो तो हर बार कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती है आरती का थाल के साथ, तो इस बार त्रिशूल और डमरू के साथ बनाई है, तो बहुत सुंदर लग रहा था।
और यहाँ पे शाम हो गया है तो मैं दिखा रही थी कि मेरी हालत कैसी हो गई है। और यहाँ पे भजन वगैरह चल रहा था, काश मैं आप लोगों को यहाँ पे भजन का गाना वगैरह अच्छे से सुना पाती, बट नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे सब कुछ म्यूट करना पड़ा। हाँ, कुछ कुछ मैं यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस दी हूँ ताकि आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगे और आप लोग बोर ना हो, बट यहाँ पे कहीं कहीं जगह मुझे थोड़ा सा म्यूट कर देना पड़ा। देखिए यहाँ पे जैसे विनोद भैया गाना गा रहे हैं, ये है सुधा भाभी के हस्बैंड जो रेड कलर का कुर्ता पहने हैं, तो वो गाना गा रहे। मेरा मन था कि मैं इसको ओरिजिनल वॉइस के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट पॉसिबल नहीं था, यूट्यूब मुझे परमिशन नहीं देगा, वो कॉपीराइट क्लेम कर देगा मेरे ऊपर, तो इसीलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। तो चलिए आप सभी से निवेदन है कि दरबार में हाजिर हो जाए। एक छोटा सा बच्चा भजन करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा बच्चा है ना, इतना अच्छा गाना गाता है और इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, पूरा तो नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करी पूरा, मतलब वो माहौल को इसने झुमा दिया था इतना अच्छा, मतलब तो कुछ लोग तो नींद आने लग गया था क्योंकि सुबह से थे, थक गए थे, बट ये पूरा मतलब माहौल ही चेंज कर दिया, इतना अच्छा गा रहा था, सब कोई झूम उठा था। अभी आप लोग देखिएगा आगे, तो ये है भोग का थाली जो शिव जी को, जो भोले बाबा को हम लोग भोग लगाए थे उसका थाली है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या क्या है, खीर है, पनीर है, आलू दम है, चना का सब्जी है, और यहाँ पे फ्राइड राइस है, पापड़ है, पूड़ी है। तो ये है आज का भोग का थाली। तो चलिए फ्रेंड्स, नीचे आ गई हूँ और अभी 12:05 हो रहा है, तो थोड़ा देर पहले ही आए हैं हम लोग नीचे, 15-20 मिनट हुआ है, और यहाँ पे सुकेंदु डिनर ला के दे दिए हैं, तो क्या क्या बना था भूख में वो तो मैं आप लोगों को दिखाई दी थी। हम लोग नीचे आके ही डिनर कर रहे हैं, मतलब प्रसाद ऊपर से ले आए थे जो भी बना था वो सब कुछ, तो आके ड्रेस चेंज करके उसके बाद आराम से खा रहे हैं क्योंकि इतना थक गई हूँ ऊपर बैठ के, खाने का मन नहीं गया छत्ता पे, तो अभी यहाँ पे बैठ के हम लोग आराम से खा लेते हैं।
डिनर वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं मेकअप रिमूव करूँगी और रिमूव करके फिर मैं सो जाऊँगी फेस क्लीन करके। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पैर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो चलिए आज के लिए ब्लॉग को यहीं तक, तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट और वीडियो लेके। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को अच्छे से पता ही है। तो जी हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में छोटी सी बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।